नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि CUET की नई श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में रसायन विज्ञान विषय के अंतर्गत हम जानेंगे विलयन कैसे बनता है, इसके क्या गुणधर्म होते हैं और परीक्षा में इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। दोस्तों, आप सभी ने शरबत तो पिया ही होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री की भाषा में इस शरबत को क्या कहा जाएगा, केमिस्ट्री की भाषा में इसे कहा जाएगा सॉल्यूशन या विलयन। इस विलयन में मुख्य रूप से दो पदार्थ होते हैं, एक वो जिसे घोला जाता है और दूसरा वो जिसमें घोला जाता है। अब जिस पदार्थ को घोला जाता है उसे कहते हैं विलेय या सॉल्यूट, और जिसमें घोला जाता है उस पदार्थ को कहते हैं विलायक या सॉल्वेंट। अब चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है, जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जाता है अथवा मिश्रित हो जाता है। यहाँ शरबत वाला उदाहरण पुनः लेंगे और समझेंगे। शरबत एक विलयन या सॉल्यूशन है, इसमें घुली हुई चीनी विलेय या सॉल्यूट है, और पानी जिसमें चीनी घोली जा रही है वो विलायक या सॉल्वेंट है। अब तो आपको विलेय और विलायक समझ आ ही गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं विलयन सिर्फ द्रव अवस्था में नहीं होते, बल्कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ठोस विलयन की। ठोस विलयन वह विलयन होते हैं जिनमें ठोस पदार्थ सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है। इसमें सॉल्यूट के रूप में ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ मिलाए जा सकते हैं। आइए अब उदाहरण देख लेते हैं। ठोस सॉल्यूट वाले विलयन का उदाहरण है तांबे का सोने में विलयन। द्रव सॉल्यूट वाले विलयन का उदाहरण है पारे का सोडियम के साथ अमलगम। गैस सॉल्यूट वाले विलयन का उदाहरण है हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। अब बात करते हैं द्रव विलयन की। द्रव विलयन वह विलयन होते हैं जिनमें द्रव पदार्थ सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है। इसमें भी सॉल्यूट के रूप में ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ मिलाए जा सकते हैं। आइए अब उदाहरण देख लेते हैं। ठोस सॉल्यूट वाले विलयन का उदाहरण है जल में घुला हुआ ग्लूकोज। द्रव सॉल्यूट वाले विलयन का उदाहरण है जल में घुला हुआ एथेनॉल। वैसे ही गैस सॉल्यूट वाले विलयन का उदाहरण है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। अब बात करते हैं गैसीय विलयन की। तो गैसीय विलयन वह विलयन होते हैं जिनमें कोई गैस सॉल्वेंट के रूप में कार्य करती है। इसमें भी सॉल्यूट के रूप में ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ मिलाए जा सकते हैं। आइए अब उदाहरण देख लेते हैं। ठोस सॉल्यूट वाले विलयन का उदाहरण है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। द्रव सॉल्यूट वाले विलयन का उदाहरण है क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण। वैसे ही गैस सॉल्यूट वाले विलयन का उदाहरण है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ठोस, द्रव और गैस के अन्य विलयनों को और भी उदाहरण से समझ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बेसिकली उदाहरण से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। अब क्रम से इन उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। जैसे विलेय गैस, विलायक गैस, विलयन का प्रकार गैसीय विलयन और उदाहरण इसका होगा गैसों का मिश्रण। वैसे ही द्रव और गैस की सहायता से बनेगा गैसीय विलयन और इसका उदाहरण होगा वायु के जलवाष्प। ठीक वैसे ही ठोस और गैस का मिश्रण होगा गैसीय विलयन और इसका उदाहरण होगा धुआं। इसी प्रकार गैस और द्रव का मिश्रण होगा द्रव विलयन, जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं CO2 के जलीय विलयन को। वैसे ही द्रव और द्रव का मिश्रण होगा द्रव विलयन, इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं अल्कोहल के जल में विलयन को। इसी प्रकार ठोस और द्रव का मिश्रण होगा द्रव विलयन, जैसे शक्कर का जल में विलयन। इसी प्रकार गैस का ठोस में मिश्रण होगा ठोस विलयन, जैसे H2 का पैलेडियम पर अधिशोषण। इसी प्रकार द्रव और ठोस का मिश्रण होगा ठोस विलयन, जैसे सिल्वर अमलगम। वही अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। गैसीय विलयन का उदाहरण है विकल्प ए वायु, विकल्प बी शरबत, विकल्प सी अमलगम या विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।